कुछ दिनों पहले ही कमल हसन का एक बयान आता है कि जो चोल राजा थे वो तो हिंदू थे ही नहीं, उस समय तो हिंदू नाम का कोई, हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं था, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं था। तो कमल हसन का ये बहुत ही विवादित बयान था, यहाँ तक कि तमिलनाडु में और कमल हसन और तमिल एक्टर जो है हमेशा ये बात करते रहते हैं कि आर्यन द्रविड़ियन जो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो क्या कमल हसन ने सही कहा कि जब चोल साम्राज्य का अस्तित्व था तो उस समय हिंदू धर्म ही नहीं था, हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं था? तो क्या चोल हिंदू नहीं थे? क्या चोल साम्राज्य के जो शासक थे वो हिंदू नहीं थे? इस बात को समझने के लिए आर्यन द्रविड़ियन पॉलिटिक्स और क्या चोल हिंदू थे या नहीं थे, हिंदू धर्म का नाम कब अस्तित्व में आया, तो आइए इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। तो कमल हसन का बयान था कि चोल हिंदू नहीं थे, उस समय जो है कोई हिंदू धर्म का अस्तित्व नहीं था। तो सबसे पहली बात यह है कि सनातन धर्म का शुरुआत कब से हुआ है, उसका आरंभ कब से हुआ है, सनातन धर्म की स्थापना किसने की, सनातन धर्म का जो रिलीजियस बुक है, धार्मिक जो ग्रंथ है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं, उसके बारे में किसी को कोई ज्ञात ही नहीं है। और यही सबसे बड़ा बात है कि सनातन धर्म ने अपने आप को कभी हिंदू धर्म कहा ही नहीं। हिंदू धर्म का अगर नाम की आप बात करेंगे तो हिंदू धर्म के इतिहास पे आप जाएंगे, हिंदू धर्म मतलब हमको हिंदू कब कहा गया, हिंदू भारत को हिंदुस्तान कब कहा गया, तो ये जो है अरब आक्रांताओं के द्वारा, तुर्की आक्रमणकारियों के द्वारा हमें हिंदुस्तान या फिर हिंदू धर्म कह के पुकारा गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि आप देखिए, आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जो है विदेशी आक्रमणों जो है अरब साइड से होते हुए दिखेंगे। तो अरब से जो आते हमलावर थे, जो तुर्क से आते हुए हमलावर थे, वो हमेशा सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश करते थे, जहाँ बड़े बड़े आक्रमणकारियों का, जहाँ सिकंदर से लेकर आप बाबर तक जितने भी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए थे उनका पूरा इतिहास ले लीजिए, वो सभी जो है सिंधु नदी को पार करके ही भारत पर आते थे। तो इसी कारण से जो है अरब आक्रांताओं ने, तुर्क आक्रांताओं ने सिंधु नदी के इस पार रहने वाले जनसंख्या थे या फिर सिंधु नदी के इस पार रहने वाले जो कल्चर था, जो धर्म था, उसे जो है हिंदू कह के पुकारने लगे। इसी कारण से जो है हिंदू जो नाम है वो अस्तित्व में आया, सिंधु नदी के कारण ही हमें जो है हिंदू कह के पुकारे जाने लगे। अर्थात विधर्मियों के हिसाब से जो सिंधु नदी के इस पार जो रहने वाला समाज है, धर्म है या कल्चर है, फिर जो भी कहें हम, उनको वो जो है हिंदू के नाम से पुकारने लगे। तो सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे देश का हिंदुस्तान नाम पड़ा। तो अब आप समझ गए कि जो हिंदू नाम है, जो हिंदू धर्म है, ये जो नाम है ये कहाँ से अस्तित्व में आया। और उसी प्रकार जो इंडिया जो नाम है ये भी हमारा भारत का कोई देन नहीं। इंडिया जो है यूनानी जो यूनानी आक्रमणकारी आते थे, जैसे कि सिकंदर के समय से जो यूनानी आक्रमणकारी जिन्होंने भारत पर हमला किया था, उन्होंने जो है भारत को इंडिया नाम से पुकारा था। अर्थात जो हमारा हिंदुस्तान जो नाम हम जानते हैं, हिंदू धर्म का जो नाम हम जानते हैं और इंडिया जो नाम जानते हैं, ये जो है विदेशियों की देन है, ये हमारा अपने आप से कोई रखा गया नाम नहीं है। तो यूनानियों के द्वारा रखा गया है भारत का नाम इंडिया, और इंडिया के नाम से हम इंडियन के नाम से जाने लगे। और वहीं अरब आक्रमणकारियों द्वारा, विदेशी जो तुर्क आक्रमणकारी थे, उनके द्वारा जो है सिंधु नदी के कारण हमारे जो धर्म है उसको जो हिंदू कह के पुकारने लगे, और इसी कारण से हमारा जो नाम है हिंदुस्तानी पड़ा। और अरब आक्रमणकारियों द्वारा और तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा जो है सिंधु नदी के इस पार रहने वाली जनसंख्या को जो है हिंदू नाम से जाना गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है हिंदू धर्म है, हिंदू जो नाम है, हिंदुस्तान जो नाम है, इंडिया जो नाम है, वो किस तरह से भारत का अस्तित्व में आया। क्योंकि इससे पहले जो है भारत को, तो अगर आप इतिहास भरेंगे भारत का, तो भारत को जो है, तो भारत का सबसे पहले नाम भारतवर्ष था, भरतखंड था, आर्यावर्त था और जम्बूद्वीप था। तो ये जो नाम थे भारत के प्रसिद्ध थे, इसीलिए जो है पूरे अखंड भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। और राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो धर्म है वो आज के जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो असल में सनातन धर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं, जो अंग्रेज़ों ने जो शब्द निकाल दिया कि धर्म के लिए जो रिलीजन, तो सनातन धर्म कोई रिलीजन नहीं है। सनातन धर्म एक जीवन जीने का तरीका है, ये एक सोच है, ये एक हमारा कल्चर है। क्योंकि इसमें कोई एक ही भगवान नहीं, कोई एक ही ग्रंथ नहीं है, कोई एक ही प्रकार के रीति रिवाज नहीं है। इसमें विभिन्न प्रकार की आपको विभिन्नताएं देखने को मिल जाएगी, आपको कल्चर में, आपको त्यौहारों में, आपके रीति रिवाजों में, परंपराओं में, देवी देवताओं में आपको विभिन्नताएँ दिख जाएंगी, लेकिन सभी जुड़ते एक ही हैं। लेकिन सभी जो जुड़े हुए हैं उनकी जो रूट हैं, उनके जो जड़ है वो एक ही है, जो है सनातन धर्म। और यही बात जो है SS राजामौली जी ने TIFF के सामने और पूरे विश्व भर के सामने जाके गर्व से कहा था। आप देखिए वीडियो। इफ यू टेक द रिलीजन आई एम आल्सो नॉट अ हिंदू, सो इफ यू टेक द धर्म आई एम वेरी मच हिंदू। तो SS राजामौली जी कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म जिसे आज रिलीजन कहा जाता है वो असल में जो है पहले सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था, जो कि एक जीवन जीने का तरीका था, एक फिलॉसफी था, एक सोच था। इसी पर जो है SS राजामौली जी आगे कहते हैं कि अगर आप इस रिलीजन को देखोगे तो मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, लेकिन आप उस सोच को देखोगे, आप धर्म को देखोगे, तो मैं आई एम वेरी मच हिंदू, यानी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ।
तो यही बात है कि जो कमल हसन का जो बयान आया है कि चोल राजा जो हिंदू नहीं थे तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सनातन धर्म ने अपने आप को कभी हिंदू कहा ही नहीं। हिंदू जो नाम है ये तो हमें विदेशियों के द्वारा दिया गया, इंडिया जो नाम है, हिंदुस्तान जो नाम है, हमें जो विदेशियों के द्वारा दिया गया। भारतवर्ष और सनातन धर्म का अपना एक सोच है, ये जो है एक फिलोसफी है, एक जीवन जीने का तरीका है, ये कोई धर्म या जो रिलीजन कहा जाता है ये ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आप देख ही सकते हैं कि एस एस राजामौली जी कहते हैं कि जो हिंदू धर्म को, मतलब जो सनातन धर्म को जो मैं जानता हूँ, जैसे मैं मानता हूँ, उसी तरह से मैंने अपने फिल्म ट्रिपल आर में दिखाया, क्योंकि जो सनातन धर्म है वो एक सोच है, वो एक जीवन जीने का तरीका है, द वे ऑफ लाइफ है। इसीलिए वो कहते हैं कि रामचरण को जो श्लोक है भगवद गीता का वो पढ़ते हुए दिखाया गया कि कर्ण मरने वाधिकारस्ते, क्योंकि तुम कर्म करो फल की इच्छा न करो, जो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं। और यही सनातन धर्म का उपदेश है कि आप कर्म कीजिए, आपको फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम निष्कर्ष निकाले एस एस राजामौली जी की बात का, तो उन्होंने कहा कि हिंदू जो धर्म है, जो आज जो जिसको अगर धर्म की बात करें तो रिलीजन बना दिया गया है, तो अगर उसकी बात करेंगे तो आप, तो मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन आप सनातन धर्म की बात करेंगे, जो धर्म है हमारे, जो जीवन जीने का तरीका, जो हमारी फिलोसफी है, अगर उसको बात करेंगे तो मैं हिंदू धर्म का, मैं सनातन धर्म का फॉलोअर हूँ और मुझे गर्व है इस पर। तो आप देख सकते हैं कि एस एस राजामौली जी इस पर क्या बयान देते हैं, और वहीं कुछ लोग हैं जो क्या क्या बयान देते हैं। तो यही जो है लोगों की सोच में और लोगों की जो फिलोसफी है उनके फिल्मों में भी देखने को ये मिल जाता है। तो अगर कंक्लूजन पे आए, तो अगर निष्कर्ष पे आए, तो यही बात है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदुस्तान जो नाम है, इंडिया जो नाम है, इंडियंस जो नाम है, ये जो है विदेशियों की देन है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है वो है सनातन धर्म, और हमारा जो नाम है वो है, हमारे जो देश का नाम है वो है भारतवर्ष, और हम भारतीय हैं। तो हमारा ये है निष्कर्ष इस पूरे वीडियो पर, इस बात पर। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आप इस सब चीज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और क्या वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।